हेलो एवरीवन, मैं शेफाली आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शेफाली की दुनिया में। आप लोग कैसे मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक मीटर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है जिसको धोकर प्रेस करके डबल फोल्ड में बिछा लिया है और इसकी लंबाई लगा रही हूँ। तो लंबाई मैंने ली है 17 इंच, क्योंकि मैं लंबे ब्लाउज पहनना पसंद करती हूँ। अगर आप थोड़े छोटे पहनते हो या 15 इंच के पहनते हैं तो 16 इंच ले लीजिए, जितना पहनते हैं उस हिसाब से ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने शोल्डर की नाप लगाई है, मैंने 17 इंच पे मैंने शोल्डर की नाप लगाई है इस तरीके से। और 3 इंच पे मैं गला लगा रही हूँ, देखिए इस तरीके से 3 इंच का गला है। और गले की लंबाई अभी मुझे डिसाइड नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। तो थोड़ा सा बस नीचे का थोड़ा सा छुपाव दे दिया है 1 इंच पे। और यहाँ पर आस्तीन की गोलाई कट करनी है, तो आस्तीन की गोलाई के लिए मैंने लिया है 7 इंच। और चेस्ट लिए है मैंने 40 इंच का, मुझे बनाना है तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। और 11.5 इंच यानी कि 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड कर रही हूँ। मार्जिन आप 1.5-2 इंच जो भी लेना चाहें, तो नीचे से जितना मार्जिन होगा उतना ही मार्जिन ऊपर होगा। तो नीचे यहाँ पर कमर का नाप लगाया है, कमर का नाप मैंने 32 इंच पर लगाया है, तो 32 का फोर्थ भाग हो गया 8 इंच। 1 इंच मैंने प्लस लगाया है टक्स के लिए, और फिर 1.5 इंच जैसे मैंने ऊपर लिया था मार्जिन का वो भी ले लिया है। तो सारी मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए नीचे आप जो भी आपकी कमर का नाप हो उसका फोर्थ लेना है। फोर्थ लेने के बाद 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है, और हमें जो मार्जिन का कपड़ा है वो लेना है। मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि भविष्य में कभी भी खोलना पड़े या कोई मतलब दिक्कत हो तो कपड़ा हमारे पास होना चाहिए बढ़ाने के लिए, इस वजह से मार्जिन मिल गया है। और यहाँ पर देखिए अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए 1 इंच हम नीचे से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और साइड में हमारी कमर जो हाई हुक की पट्टी होती है उसके लिए हम 1/2 इंच और ले रहे हैं। इस तरह से रख लिया है, देखिए मार्किंग 1/2 इंच साइडों से और 1-1 इंच नीचे से हमने एक्स्ट्रा लिया है। बाकी हम मार्जिन जो का त्यों कर देंगे। ये देखिए मैंने मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि हमें लेना है एक्स्ट्रा प्रिंसेस कट का कपड़ा। तो प्रिंसेस कट देखिए 40 इंच का हमारा ब्लाउज़ है, तो कम से कम 2.5 इंच हमें चाहिए, 3.5 इंच भी आप ले सकते हैं, जितना उभार हमें चाहिए होता है। जितना हमारा जैसे शरीर हैवी है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही उभार चाहिए होता है, तो उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। तो देखिए टक्स के निशान लगा दिया, ऊपर से 10.5 इंच लिया है और साइडों से मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, ये देखिए। और नीचे से हम थोड़ा सा ये तिरछा कपड़ा इस तरह से कट करते हैं, जिससे कि सिलाई होने के बाद ये ठीक आ जाता है। और जो आस्तीन की गोलाई है वो हमें बाद में कट करनी है, जब हमारा कपड़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, इसमें जो मेन फैब्रिक है वो अटैच कर देंगे, और सिलाई करने के बाद जो प्रिंसेस कट की सिलाई होती है वो सिलाई करने के बाद हम इसमें गोलाई कट करेंगे। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरह से करना है। तो ये देखिए आगे का ये फ्रंट भाग है, तो ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बनेगा। तो अब मैं इसमें गले की मार्किंग कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से 1.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है गले का। बोट नेक की डिज़ाइन देनी है मुझे ऊपर से, तो बोट नेक का डिज़ाइन दे दिया 1.5 इंच पर कट करके, और 7 इंच नीचे से मैंने गला लिया जो बन के 6.5 इंच तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए पेपर पेस्टिंग मैंने ले ली है, पेपर पेस्टिंग पे इसको रख दिया है गले को अपने। इस तरीके से निशान मैंने जो बोट नेक बनाया था सेम निशान इस तरह से लगा लेना है, और लंबाई में पूरा जितना हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है उतना ही पेपर पेस्टिंग लेना है। और 7 इंच का गला जहाँ से हमारा गला बनना है वहाँ से 2 इंच हमने इस तरह से लेके एक सीधा स्केल से मार्किंग कर देनी है, और ऊपर से हमें 1 इंच पे एक्स्ट्रा करके और इस तरह से मार्किंग कर इसकी कटिंग कर लेनी है। 3 इंच तो हमारा देखिए गले का था, और 1 इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया है, तो ऊपर से 4 इंच और नीचे से 2 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद मेन फैब्रिक जो हमारा है उस पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट आराम से ईजी हो जाता है, आप गर्म प्रेस रख दीजिए इस पर। जो चिकना भाग होता है उसको हमें नीचे रखना होता है, फुलका भाग ऊपर रख के उसमें पेपर पर पेस्ट हो जाता है। और देखिए इस तरह से मैंने सारे अपना मेन फैब्रिक पर जो बोटम का था वह कट कर लिया है और अटैच भी कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक पट्टी बना रही हूँ जो कि हाई की पट्टी होगी, जो मुझे मेन फैब्रिक हमारा है उस पर अटैच करनी है। इस तरीके से देखिए दोनों वाली चीज़ें इसको सीधा कर लेंगे और इस पर एक सिलाई भी लगा देंगे। इस तरह से देखिए एक सिलाई लगा दी है मैंने, ये हमारी रेडी होगी। 7 इंच हमारा गला बनना है,
7 इंच पे हम निशान लगा के 7 इंच के पास में इस पट्टी को इस तरह से रख देंगे। पहले पट्टी सेट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने गला बनाया हुआ है पेपर पेंसिल पे वो गला बाद में रखेंगे, क्योंकि पहले अगर पीछा टूट जाएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पेंसिल से रखेंगे और दोनों पट्टी हमें तैयार कर लेनी है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर कट किया था वो पीछे से मोड़ देंगे, जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हमारी आएगी। और जहाँ पर मोड़ने में दिक्कत हो उसमें कपड़े में थोड़े से कट टक्स लगा देने हैं और फिर उसको मोड़ देना है आसानी से, और कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से एक दो बार मतलब दूसरी जगह से कट लगा के आराम से आप इसको मोड़ सकते हैं। मेरा पार्ट मैंने तैयार कर लिया है, और जो ये पार्ट मैंने तैयार किया है इसको मैं प्लेन जो हमारा पार्ट है उसमें सेट कर देंगे। फिर उसको इस तरीके से सिलाई लगा दे रही हूँ, पूरी बराबर से इसको लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। नीचे हमारी हाई पट्टी जो है से ऊपर वाली पट्टी पे हम हुक लगा देंगे और नीचे वाली में आई लगा देंगे। और यहाँ पर गला हमारा इस तरह से फोल्ड होगा, तो इसको देखिए प्रेस कर सके से आप सेट कर सकते हैं। प्रेस के अलावा भी आप प्रेस तो मतलब थोड़े देर के लिए रहती है और फिर गला सीधा ना हो जाए, इस वजह से हम इस पे एक सिलाई भी लगा देंगे। और उससे पहले हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का जो हमारा पार्ट था उसको भी ज्वाइंट कर लेंगे। प्रिंसेस कट के पार्ट में किसी भी पार्ट को यहाँ चाहते ऊपर का पार्ट हो चाहे तो नीचे का पार्ट हो, आपको खींचना कोई भी पार्ट नहीं, तब किसी भी कपड़े को आप खींचेंगे नहीं, आराम से इजीली लगा लेंगे बिना खींचे हुए, और अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो देखिए दोनों पार्ट को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसकी गोलाई काट लेते हैं, गहराई जो हमें काटनी है आस्तीन की गोलाई। तो इसमें पहले आप चाहे तो सिलाई एक एक इस तरह से लगा लेते हैं, जो कि ईजी होता है, कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। आराम से सिलाई एक गहराई पे करके मार्किंग करने के बाद सिलाई लगा दी है और उसको फिर कटिंग कर ली है। देखिए गोलाई आराम से ये कट हो गई है। कमर पट्टी अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी, तो कमर पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है और बस इसको सीधा सिलाई करके और पीछे को मुड़ के सिलाई कर देंगे। और ये देखिए गला अब मैं दिखा रही हूँ आपको, तो इस तरह से गला सही सीधा ना हो जाए बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है ना, प्रेस साइज कितना भी आप कर लो फिर भी वो मुड़ जाता है जहाँ, तो इस पर अभी हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। पहले दोनों साइड को बराबर रख के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग के ऊपर से यहाँ से एक एक सिलाई लगा देंगे दबाव के लिए। और जो भविष्य में कभी भी गला हमारा सीधा खड़ा नहीं होगा, इस यूँ ही मुड़ा ही रहेगा, इसलिए जिससे कि गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे, और सच में गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है, जो कि मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए।